अभी बन रहा है खाना। खाना आज पतिदेव बना रहे हैं, क्योंकि कुहू मेरे को परेशान कर रही थी तो मैंने सारी तैयारी कर रखी थी, मतलब सब्जी वगैरह सारा काट रखा था, बस उसको फ्राई करना था, मतलब बनाना था, छौंकना था, और ये कटिंग मैंने सारी कर रखी थी पहले से। तो पतिदेव बना रहे हैं खाना और अभी हम जाने वाले हैं घर। पैकिंग हो गई है, एक्चुअली मैं थोड़ा सा पैकिंग भी करने लग गई थी, और स्टेशन पे भी पहुंच गए हैं अभी तो। और यहाँ स्टेशन पे काफ़ी लोग हैं, मेरी पंजाब मेल आने को है। सो अभी जा रहे हैं होली पे, घर पे, होली के लिए घर पे। और ट्रेन का हो रहा है वेट, कुहू भी यहीं है। सोचा काफ़ी दिनों से कुहू घर नहीं गई है, उसको घर ले जाऊं और होके आते थोड़े से घर पर। सो अभी चलो मिलते हैं थोड़ी देर से। ये क्या हो गया, पता है क्या हुआ? वापस से आ गई मैं, और मैं खोल रही हूँ अभी पैकिंग पूरी, क्योंकि मैं घर नहीं गई हूँ, लौट के आ गई हूँ। सो जो कपड़े रखे हुए थे, मैंने पैकिंग किए थे, वो सारे अपनी अपनी जगह एडजस्ट कर दूँ। और कुहू देखो कितना ये परेशान मैंने करता है। पैक ये कर नेक्स्ट मॉर्निंग है, क्योंकि ली ट्रेन थी। तो 10 बजे अब आती मुझे है। ये सारे है घर से मॉर्निंग खोलनी फूड। पड़ रही है, क्योंकि अभी मैं उसका रीजन आपको बाद में बताऊंगी। पहले मैं ये सारा सामान लगा लूं, वापस से जैसे रखती हूँ जैसे अलमारी में मैं सेट कर दूंगी, इससे निकाल के बैग से, क्योंकि बैग में अब इसका क्या काम। डेली वाले कपड़े थे जो कि मैंने रखे हैं। हाँ लो, आपके कपड़े। अच्छा खासा फोन नीचे फेंक दिया और इसकी डिस्प्ले चली गई, मैंने देख नहीं पाया, बेड पे फोन पड़ा था और इसने उठाया और फेंक दिया। बहुत दुख हो रहा है, अब एक फोन गया मेरा। गंदा बच्चा। एल्बम भी मेरे को घर पर ले जाना था, चाले अब नहीं ले जा पाएंगे। ये कुहू के बर्थडे का एल्बम है, अभी मैं आपको बाद में दिखा देती हूँ इसको थोड़ा सा। और ये साड़ी ऑनलाइन मैंने मंगाई है, बहुत ही अच्छी आई है। कितना पतला कपड़ा है इसका, और ये बहुत प्यारी लग भी रही है यार, ये देखो बहुत प्यारी लग रही है यार। ये होगा इसके इस साइड का, कैसे डालेंगे ऐसे, पतला बॉर्डर इस साइड आएगा। और मुझे ये साड़ी मिली है 414, मतलब 414 रुपए की साड़ी, और ये मीशो में 414 की मिली है। एंड किस पे, क्या कहते हैं, अमेजन फ्लिपकार्ट पे ये 600-700 समथिंग की है, और उसमें मुझे बहुत ज़्यादा ऑफर में मिल गई ये साड़ी, तो मैंने जल्दी से मंगा ली। और इसका मुझे, मैं सिलवाऊंगी ब्लाउज, ये है इसका ब्लाउज, ब्लाउज भी प्यारा है। नो, फेंक दिया सब सामान। अरे यार जितया, तुम कितना शैतान करते। सारा फेंक दिया यार इसने। अभी मैं इसको पैकिंग कर, इसको मैं अपनी जगह पर सेट कर दूं, उसके बाद आपसे। और जो उसकी टैबलेट्स थी सारी, सिरप के दवाइयाँ, क्योंकि अर्जेंट कभी हो जाता है तो मैं उसको भी ले जा रही थी कुछ, कि एकदम से अगर कभी कुछ प्रॉब्लम आ गई, ज़रूरत पड़े तो
यूज़ हो जाती हैं, तो वो भी मैं सारी पैकिंग खोल के रख लूँगी वापस से जैसे मैं सेट करती हूँ। और दवाइयों को मैं इस बास्केट में सेट कर देती हूँ, उसकी सारी दवाइयाँ इसी में हैं। ये विटामिन मिनरल्स वाली हैं और हाँ बेटा, ये इंजेक्शन है जो मैं नेबुलाइज़र यूज़ करती हूँ, तो उसमें दवा डालने के काम आता है, क्योंकि जुकाम वगैरह हो जाता है, जुकाम खांसी कुछ, तो नेबुलाइज़र भाप लेने की यूज़ करते हैं। और ये बच्चों वाली झंडू बाम है, मतलब जो छोटे छोटे सारे सामान होते हैं ना बच्चों के, सारा मैं रख के रहती हूँ अर्जेंट में कभी ज़रूरत पड़ जाए। ये नोज़ वाला है, नोज़ ब्लॉक हो जाती है तो डाल देते हैं उसमें। सो ऐसे ही छोटी छोटी सारी दवाइयाँ इसमें मैं वापस से रख दूँगी, और इसी में सारी दवाइयाँ हैं क्योंकि आज अचानक से क्या हो गया है, मैं वापस क्या, मैं पैकिंग खोल रही थी, कोई पैकिंग करता है घर जाने के लिए और मैंने करके खोल दी। मैं घर नहीं जा पाई, एक्चुअली सोच रही थी होली पर घर जाऊंगी। त्यौहार घर पर ही अच्छे लगते हैं सबके साथ, क्योंकि यहाँ पर तो अकेले हैं, एकदम से अकेले पड़ जाते हैं, कोई भी नहीं होता है। सो मैं सोच रही थी घर पर होकर आऊँ, तो अर्जेंट क्या हुआ, पहले से कोई प्लानिंग नहीं थी, मतलब प्लानिंग थी जाने की, बट ये नहीं था कि आज ही जाना है कि कब जाना है। सो एक शो हुआ क्या कि ये ऑफिस से आए और बोले चलो हम लोग घर चलते हैं, और अभी थोड़ा सा छुट्टियां वो मिल जाएंगी, तो मैंने कहा चलो ठीक है। मेरी होती है 10 बजे ट्रेन रात में, और मैं गई थी, मेरा रिजर्वेशन हुआ है 7 बजे, तत्काल वाला रिजर्वेशन हुआ है। शो गई, घर पर किसी को नहीं बताया कि मैं आने वाली हूँ, और फिर स्टेशन पहुँच कर हुआ क्या, एंड मैंने बोला चलो पापा को फ़ोन कर दो कि हम लोग आ रहे हैं। इन्होंने पापा को फ़ोन किया तो वो बोले कि किस क्यों आ रहे हो, यहाँ पर चेकिंग वगैरह हो रही है, क्योंकि पंजाब से और महाराष्ट्र जो लोग आ रहे हैं थोड़ा सा सीरियस होता है, क्योंकि यहाँ पर केसेस में प्लान चेंज हुआ, मैं नहीं जा रहा हूँ। मैं वहाँ से अब वापस आ, क्या कर रहे हो भैया, मैं बाहर से वापस आ, हम लोग बाहर से वापस आ गए, तू ट्रेन देखने के ना खेलो चलो। इसलिए हम लोग वहाँ से रात में 10 बजे ट्रेन सामने खड़ी, और सोचे वापस जाएं या ट्रेन में जाएं, तो हम लोगों का डिसीजन हुआ चलो वापस चलते हैं, और ये बोले अब नहीं जाएंगे, चलो वापस चलते हैं, इसलिए मैं वापस आ गई। और इतनी सारी पैकिंग कर ली थी, क्योंकि मैं घर जाती हूँ तो 2-3 महीने रह के आती हूँ, ऐसा नहीं है कि साथ गए और साथ आ गए, मैं 2-3 महीने रह के आती हूँ वहाँ पर, क्योंकि लंबा ज़्यादा पड़ जाता है और बार बार आना जाना नहीं हो पाता है, तो जाती हूँ, इसलिए लौट के मैं आके पैकिंग खोल रही थी। और अभी मेरा सामान सारा निकाल लिया है मैंने, इतना सारा पैक कर लिया था और सारा निकाला पड़ा, बड़ी गुस्सा आ रही है। दित्या घर नहीं जा पाया, नो 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 नो, दित्या घर नहीं जा पाया, घर जाना था दादी पास, गंदा बच्चा, इसी का सारा ज़्यादा सामान होता है, बच्चों का काफ़ी सारा सामान हो जाता है, तो इसका ज़्यादा सामान था, मेरा तो ऐसा है मैं कम ही ले जा रही थी। और इसकी गुस्सा देखो, आज मेरा मोबाइल फोड़ दिया है इसने, क्या कर रहे हो बेटा, फेंक क्यों रहे हो, ऐसे ही फेंक दिया है, ऐसे ही बिल्कुल इसी स्टाइल में मोबाइल फेंका इसने, इसको पता नहीं क्या सीख गई है ये, कि लेती और नीचे सारे टॉयस नीचे, सब कुछ नीचे फेंकना होता बैट से, तो बैट से सब कुछ नीचे फेंकती है फिर देखती है। बाय बाय।